नमस्कार साथियों, मैं शरण चौधरी सुगम विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक जो चल रहा था, क्लासेस चल रही थी, उसके अंदर हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट केंद्र जो हमारा टाइप था वो प्रेजेंट सिंपल हो गया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो गया था, और हमारा लास्ट टाइप चल रहा था इसका प्रेजेंट केंद्र प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट होने के बाद में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट का थोड़ा बाकी रहा है तो वो आज करेंगे। जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, और उसके बाद में इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया था, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये मैंने वहां पर आपको बताया थे। आज हम आगे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर एक बार थोड़ा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वहां पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार और देखेंगे हम एक बार कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनकी हिंदी में पहचान क्या होती है। तो इसके हिंदी के सेंटेंस होंगे, उनकी हिंदी में पहचान होगी चुका है, चुकी है और चुके हैं। जैसे वह आ चुका है, वह जा चुका है, वह खाना खा चुका है, वह खेल चुका है, इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होंगे जिसके पीछे चुका है, चुकी है, चुके हैं का यूज होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर माने जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले भी, यानी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था। उसके अंदर जो हमारा टाइप बाकी रहा था वो था इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव के दो टाइप होते हैं। एक तो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब वाला तो मैंने आपको करवा दिया था, और जो आज आपको बताना है वो है WH वर्ड। तो एक बार इंट्रोगेटिव यानी जो हेल्पिंग वर्ब वाला है उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज। हैज का यूज कहां पर करेंगे, जहां पर हमारा सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और हैव का यूज करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज होगा, और आई के साथ में क्या होगा, आई के साथ में भी हैव का यूज होगा। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। उसके बाद में एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, शी हैज प्लेड हॉकी, वह हॉकी खेल चुकी है, क्या होगा इसके हिंदी में, शी हैज प्लेड हॉकी, यानी वह हॉकी खेल चुकी है, वह हॉकी खेल चुकी है। तो ये किसका है, अफर्मेटिव का है। यदि हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, वह हॉकी नहीं खेल चुकी है, यानी शी हैज नॉट प्लेड हॉकी, ये हो गया नेगेटिव, शी हैज नॉट प्लेड हॉकी, वह हॉकी नहीं खेल चुकी है। एक बार अपन इसका इंट्रोगेटिव भी बना लेंगे ताकि आपका जो डाउट वगैरह है तो वो भी क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम बना देते हैं, क्या वो हॉकी खेल चुकी है, तो अपन हेल्पिंग वर्ब है वो आगे रखेंगे, यहाँ पर हैज शी प्लेड हॉकी, क्या वो हॉकी खेल चुकी है, ये इसका हो गया इंट्रोगेटिव। देख लेंगे लास्ट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव, Has she not played hockey? क्या वह हॉकी नहीं खेल चुकी है। तो ये सबसे पहले अपने देखा इसका स्ट्रक्चर यानी अफर्मेटिव का, उसके बाद में मैंने आपको बताया नेगेटिव, यानी जो अफर्मेटिव का सेंटेंस है उसके अंदर तीसरे नंबर पे हमें नॉट लगा देना है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, किसी चीज की हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब आपको आगे रखनी है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप क्या करेंगे, जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है उसके अंदर आप तीसरे नंबर पे नॉट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा पहला, ये दूसरा, और यहाँ पर ये तीसरा हो गया, यानी यहाँ पर नॉट लगाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर नॉट लगा दिया, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब जो समझने वाला था वो मैं ये वाला पार्ट आपने बाकी था, WH वर्ड,
यानी ऐसे सेंटेंस जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड कौन से वर्ड्स होते हैं वो मैंने आपको पहले लिखवा दिए, यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे तो हमारे जो पहले वाली क्लास है वहां पर आप जाकर के आराम से देख सकते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड के जो सेंटेंस होंगे वो अपन किस प्रकार से बनाएंगे, तो उसके लिए भी एक स्ट्रक्चर है वो यहां पर है। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड, यानी जो भी डब्ल्यू एच वर्ड होगा उनका सबसे पहले हम आगे यूज करेंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है उसका यूज यहां पर होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव अंदर क्या होगा क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है वेयर हैज मोहन गॉन, यानी मोहन कहां पर जा चुका है, वेयर हैज मोहन गॉन यानी मोहन कहां पर जा चुका है। तो यहां पर ये डब्ल्यू एच वर्ड हो गया पहले, वेयर क्या है डब्ल्यू एच वर्ड, वेयर का मतलब होता है कहां, हैज यहां पर मोहन सिंगुलर है, मोहन क्या है जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो मोहन यहां पर सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। उसके बाद में गो की आपको यहाँ पर फॉर्म लगा दी थी, यानी गो की कौन सी फॉर्म लगेगी थर्ड फॉर्म, गो वेंट और गॉन। तो ये हो गया डब्ल्यू एच वर्ड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे वह दिल्ली से कब आ चुका है, वह दिल्ली से कब आ चुका है तो इसका हम बनाएंगे कैसे, तो वह क्या हो गया लड़का है तो यानी यहां पर ही का यूज करेंगे। तो यह स्कूल यानी इससे पहले कब यदि बीच में है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, कब को बोलते हैं वेन, हैज ही कम फ्रॉम दिल्ली, यानी वह दिल्ली से कब आ चुका है, ये हो गया एक और एग्जांपल। तो यदि आपको और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज हमने देखा यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद में जो मैंने आपको ये पहले जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बता दिए। आज हमने देखा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, यानी हेल्पिंग वर्ब में क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद में आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में लगाएंगे आप क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल था हैज मोहन गॉन टू दिल्ली, क्या मोहन दिल्ली जा चुका है, क्या होगा हैज मोहन गॉन टू दिल्ली, क्या मोहन दिल्ली जा चुका है। तो यहाँ पर मोहन सिंगुलर था तो यहाँ पर क्या हो गया हैज यहाँ पर आ जाएगा, फिर मोहन सब्जेक्ट हो गया, गॉन यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म हो गई और दिल्ली क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट हो गया। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक बार ले सकते हैं। तो साथियों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां तक हो गया कंप्लीट, और यदि इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी जो प्रेजेंट टेंस है उसका एक लास्ट टाइप है। सबसे पहले आपने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, और अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसका सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज के साथ में बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगाएंगे सिंस या फिर फॉर के साथ में आ जाएगा टाइम। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है। आपको देखने में ये काफी ज्यादा लंबा लग रहा होगा लेकिन ये याद करने में बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, यानी जो कर्ता यानी काम को करने वाला कौन है सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है हैज हैव, जो अपन यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी यूज करते थे। एक्स्ट्रा यहाँ पर जो लग रहा है वो ये बीन लग रहा है, क्या लगेगा ये बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में
आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। यदि आप इसे थोड़ा समझे आसानी से तो सब्जेक्ट अपन हर एक टेंस के अंदर लगा देते हैं। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव। फिर आप देखेंगे आगे कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में क्या आता है, जो भी कंटिन्यूस, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या फिर चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो या फिर जो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी लगाना है। तो यहां पर भी कंटिन्यूस नाम आते ही हमने यहां पर क्या ऐड कर लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और ऑब्जेक्ट तो हर एक सेंटेंस में लगता है। और यहां पर एक्स्ट्रा क्या जुड़ रहा है, सिंस या फिर फॉर, या तो आप सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, ये जो टाइम से रिलेटेड है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, और आपको यहां पर टाइम ऐड कर लेना है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ये किसका है, अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव का। नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस यानी जो नकारात्मक वाक्य होते हैं वो। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर आपको तीसरे नंबर पे नॉट है ऐड कर लेना है, सब्जेक्ट हैज हैव के बाद में आप लगाएंगे नॉट लगाएंगे, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फोर के साथ में आप क्या ऐड करेंगे, टाइम। ये हो गया नेगेटिव। सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप तीसरे नंबर पे सीधा नॉट ऐड कर लेंगे, तो आपका पूरा ही नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे मैंने यहां पर किया, सबसे पहले सब्जेक्ट था, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन, तो यहां पर हैव और बीन के बीच में आपको नॉट ऐड कर लेना है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ये हो गया नेगेटिव का आपका स्ट्रक्चर। उसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो उसके अंदर क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उन्हें आगे ले लो, हैज या फिर हैव। सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपको हैज लगाना है या फिर हैव लगाएंगे, उसके बाद में आप लगाएंगे सीधा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आप बीन लगा देंगे, बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट वर्ब के साथ में आप लगाएंगे आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फोर के साथ में आप टाइम ऐड करेंगे। और इंट्रोगेटिव तो आपको पीछे सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, नहीं जब क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत एग्जाम में हो सकता है। तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लेनी है, हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज हैव, हैज हैव के साथ में फिर सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे बीन, उसके बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऐड करेंगे और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में सिंस या फिर फोर के साथ में आप टाइम ऐड करेंगे और पीछे लगाएंगे आपको क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये जो सेंटेंस है इसके अंदर नॉट आप लगा दो, हैज हैव, सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, उसके साथ में आप लगाएंगे आईएनजी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा सिंस, फोर के साथ में आप ऐड करेंगे टाइम, और पीछे आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर आपको तीसरे नंबर पे सीधा नॉट ऐड कर लेना है। तो यहां पर ये हो गया पहला, ये सब्जेक्ट हो गया दूसरा, और ये नॉट क्या हो गया तीसरे स्थान पे। तो आपको ज्यादा अपने दिमाग के ऊपर ज्यादा लोड लेने की कोई जरूरत ही नहीं है,
जैसे एक बार अपन थोड़ा इसका रिवीजन कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसकी हिंदी में पहचान क्या होगी, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि इसके साथ में टाइम होगा पीछे, जैसे वह 2 महीने से पढ़ रहा है, या फिर वह पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहा है, वह या वह 2010 से दिल्ली में रह रहा है। तो ऐसे जो यहाँ पर हिंदी में पहचान होगी वह रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि उसके साथ में टाइम होगा, और टाइम या तो पूरा किसी पीरियड के अंदर या फिर कोई ड्यूरेशन उसके साथ में होगा। तो यहां पर रहा है, रही है या फिर रहे हैं का यूज होता है। जैसे कि हम अपन रिवीजन कर रहे थे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको लगाना है अफर्मेटिव के अंदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज हैव, जो हैज होगी वो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ में आपको हैव लगाना है, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आप उसके साथ में क्या लगाएंगे हैव। उसके बाद में आप बीन ऐड करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी ऐड करना है और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद में सिंस लगाएंगे या फिर फॉर, इसका यूज कैसे करना है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। फिर आपको टाइम ऐड कर लेना है। फिर जो नेगेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है सेंटेंस के लिए, उसमें आपको क्या करना है कि जो अफर्मेटिव है उसके अंदर आपको सीधा तीसरे नंबर पे नॉट ऐड कर लेना है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, दोनों आप साथ में एक साथ में कभी नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ में नॉट प्लस बीन। फिर आप ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर के साथ में टाइम। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी जो सहायक क्रिया है उसे आप आगे ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपकी हैज हैव, फिर आप लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपको ऐड करना है बीन, बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आप ऐड करेंगे सिंस फॉर प्लस टाइम। तो यह हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में आप क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आगे रखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप तीसरे नंबर पे नॉट ऐड करेंगे, उसके बाद में आपको बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर प्लस टाइम, और सबसे लास्ट में आप क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क जरूर ऐड करेंगे। जैसे अपने एक एग्जांपल लेते हैं, वह 2010 से दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस हो गया, वह 2010 से दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, ये किसका एग्जांपल है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। तो इसे हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, जैसे ही हैज बीन, he has been studying in Delhi since 2010. He has been studying in Delhi since 2010. यानी वह 2010 से दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। ये किसका हो गया, अफर्मेटिव का, किसका हो जाएगा अफर्मेटिव का। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव का, ये अफर्मेटिव है, ये यानी अफर्मेटिव, हो जाएगा नेगेटिव, ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन स्टडिंग इन दिल्ली सिंस 2010, यानी वह 2010 से दिल्ली में पढ़ाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस, यानी जिसके अंदर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को आप सीधा आगे ले लेंगे, हैज ही बीन, हैज ही बीन स्टडिंग इन दिल्ली, कब से पढ़ रहा है, सिंस 2010।
क्या वह 2010 से दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है? तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आइए यानी होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। Has he not been studying in Delhi since 2010? क्या वह 2010 से दिल्ली में पढ़ाई नहीं कर रहा है? ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहला हमने देखा यहां पर अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में क्या है? सबसे पहले आएगा एग्जाम्पल हमने लिया था, वह 2010 से दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। इसे हमने ट्रांसलेट किया तो अफर्मेटिव में बनाया तो ही हैज बीन स्टडिंग इन दिल्ली सिंस 2010, वह 2010 से दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। नेगेटिव हो जाएगा ही हैज नॉट बीन स्टडिंग इन दिल्ली सिंस 2010, वह 2010 से दिल्ली में पढ़ाई नहीं कर रहा है। फिर हो जाएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब आगे रखनी है। Has he been studying in Delhi since 2010? क्या वह 2010 से दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है? और लास्ट में हम ये ऐड करेंगे क्वेश्चन मार्क दोनों में। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। Has he not been studying in Delhi since 2010? क्या वह 2010 से दिल्ली में पढ़ाई नहीं कर रहा है? ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक बार ले लीजिए। तो साथियों हमने जो स्ट्रक्चर और जो एग्जांपल देखी है, आगे हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सिंस और फॉर का यूज होता है, यानी सिंस और फॉर का यूज होता है। तो सिंस का यूज कहां पर करेंगे और फॉर का यूज कहां पर करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, यानी सिंस का यूज कहां पर करेंगे और फॉर का यूज कहां पर करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर होगा फॉर का यूज, यानी फॉर का यूज कहां पर होगा, तो कहां पर करेंगे हम? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, यानी कोई भी ऐसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, यानी जैसे 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से जो भी नंबर होते हैं, नंबर के साथ में कोई भी एडजेक्टिव होगा उसके साथ में क्या होगा, या तो मिनट, जैसे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट इस प्रकार के जो भी यहाँ पर मिनट्स होगी उनके साथ में, या फिर अवर्स यानी घंटों के साथ में, डेज जैसे 2 डेज, 3 डेज, तो वहां पर हम उसके आगे फोर का यूज करेंगे, जैसे 4, 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स है, इसके आगे हम किसका यूज करेंगे? फोर का, क्योंकि हमें पता है कि 2 मिनट्स यानी 2 मिनट तो है, लेकिन वो 2 मिनट कौन सी है? जस्ट अभी वाली है या उससे पहले जो 5 मिनट का उनके बीच में गैप था और उससे आगे वाली है? 2 मिनट का तो फिक्स मालूम है, लेकिन वो उसका ड्यूरेशन कौन सा है वो हमें फिक्स मालूम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हम फोर का यूज करेंगे। उसके बाद में अवर्स यानी घंटों के आगे, जैसे 4, 5 आवर्स यानी 5 घंटों से, तो हमें ये तो मालूम है कि 5 घंटे हैं। जैसे जैसे कोई भी एग्जांपल है, she has been sleeping since 5 hours, वह पिछले यानी वह 5 घंटों से सो रही है, लेकिन 5 घंटे कौन से, सुबह वाले हैं, शाम वाले हैं या फिर रात वाले? 5 घंटे तो अपने फिक्स मालूम है, लेकिन वो कौन से, उसका टाइम कौन सा है वो हमें मालूम नहीं है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? फोर का यूज करेंगे। या फिर आगे डेज का नाम हो, या फिर वीक्स का यानी सप्ताह का कोई भी नाम हो, या फिर मंथ, जैसे 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, या फिर 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ इस प्रकार के जो भी हो, तो वहां पर भी हम फोर का यूज करेंगे। या फिर इयर्स नेम यानी कोई भी साल का नाम हो, जैसे 2 years, 3 years, 4, 5 years, जिसे डिकेट्स, डिकेट्स का मतलब होता है कोई भी 10 साल का पीरियड, यानी जिसे आप 10 साल बोलते हैं अंग्रेजी में, उसे क्या बोलेंगे? डिकेट्स। फिर है सेंचुरी, सेंचुरीज का मतलब 100 साल, यानी फॉर 1 सेंचुरी, फॉर 2 सेंचुरी, यानी 1 साल यानी 1 सेंचुरी यानी 1 शताब्दी से, या फिर 2 शताब्दी से, इस प्रकार अपन इन्हें बोल सकते हैं। आगे हम देखेंगे सिंस का यूज, यानी सिंस का यूज कहां पर करेंगे? नेम ऑफ डेज, यानी कोई भी दिन होंगे तो दिनों का यहाँ पर नाम फिक्स होगा, जैसे कोई भी, जैसे मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, जैसे शी हैज बीन कमिंग स्कूल सिंस मंडे, यानी वह सोमवार से स्कूल आ रही है, या फिर ही हैज बीन कमिंग स्कूल सिंस मॉर्निंग, यानी वह सोमवार से स्कूल आ रहा है, तो यहाँ पर हमें फिक्स मालूम है कि वह कब से आ रहा है, यानी सोमवार से आ रहा है, तो उसके आगे हम यानी कोई भी वहां पर डे या फिर मंथ या फिर ईयर का नाम होगा वहां पर हमें बिल्कुल फिक्स मालूम होगा, तो वहां पर सिंस का यूज करेंगे। और जहां पर इनडेफिनेट यानी कोई मालूम नहीं होगा वहां पर हम क्या यूज करेंगे? फोर का।
जैसे कोई भी इयर्स का भी यहाँ पर नाम हो सकता है, जैसे 2006, 2007, 2015, 2018 इस प्रकार से। जैसे पार्ट्स ऑफ डे यानी कोई भी दिन का पार्ट, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इस प्रकार से। तो जो भी आता है वहां पर भी हम सिंस का यूज करेंगे। या फिर घड़ी का कोई भी टाइम, जैसे 5 o'clock, 6 o'clock, जो भी है। फिर यहाँ पर 6 PM यानी AM PM में भी टाइम ये दिया हुआ है किसी भी सेंटेंस में, तो उसके आगे भी हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। या फिर यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, तो ये भी हमें फिक्स मालूम है कि यस्टरडे किसे बोलते हैं, कि जो आज से पहले जो बीत गया उसे हम यस्टरडे बोलेंगे। या फिर लास्ट वीक, लास्ट वीक यानी जस्ट जो पिछला सप्ताह था वो। या फिर लास्ट ईयर यानी जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो जो 2023 था वो हमारे लिए क्या होगा, वो लास्ट ईयर। या फिर लास्ट मंथ यानी पिछला महीना। या फिर लास्ट ईयर। या फिर कोई सीजन्स का नाम यानी कोई भी ऋतु का नाम, जैसे रेनी सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन या स्प्रिंग सीजन। या फिर कोई फेस्टिवल का नाम हो, जैसे होली, दीपावली वगैरह जो भी फेस्टिवल्स आते हैं वो यदि नाम है, तो उससे को आगे भी हम क्या करेंगे, सीन्स का यूज करेंगे। या फिर कोई भी इवेंट्स यानी ऐसी कोई भी घटनाएं होती है, तो उसके आगे भी हम सीन्स का यूज करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को सिंस और फोर का यूज समझ में आ चुका होगा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए, तो हमारे सुगम विद्या क्लासेस के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये क्लास कैसी लगती है वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। थैंक यू।